Section F winds the volume of right triangle prism whose height is 36 cm and the sides of whose base are 31, 25 and 15 cm. वॉल्यूम बराबर किसके होती है? एरिया इंटू हाइट. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्रॉस सेक्शन क्या होता है? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. यहाँ 31, 25 और 15 पुट कर दें, एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. जब एस की वैल्यू आ जाए बच्चों, उसे यहाँ पुट करें ए बी के साथ, तो हमारा एरिया आ जाएगा, ये जो हमारा हीरो फार्मूला होता है. और भाई यहाँ से जब एरिया आ जाएगा तो उसको हाइट कितनी दी हुई है, 36 सेंटीमीटर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी. तो सिंपल सी बात है, जब भी वॉल्यूम ऑफ राइट ट्राइंगल प्रिज्म आए, एरिया पहले निकाल लो और जो भी एरिया है उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दो. एरिया किससे निकलता है? वही हमारा भाई, ये लेंथ ए बी सी हो जाती है. एस कैसे निकलता है? इनका सम डिवाइड बाय टू, फिर बाकी आंसर आ जाए.